यहाँ से क्वेश्चन राउंड है, देखेंगे कितना बढ़िया आप अभी क्वेश्चन कर पाते हो। आपके लिए प्रश्नों का राउंड शुरू हो रहा है। पहले क्वेश्चन से मात्र 10 क्वेश्चन तेजी में आंसर करना है और हम देखेंगे कौन बच्चे कितना बढ़िया सही करते हो। एकदम आसान क्वेश्चन से हमारी शुरुआत है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता? एकदम हल्का क्वेश्चन, तेजी में एकदम आंसर चलो। नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता? एकदम आसान क्वेश्चन से हम चले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम सही आंसर कर दो। बिल्कुल सही, देखिए फटाफट एकदम सब लोग का सही बनते जा रहा, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आंसर। नोबेल प्राइज आपने देखा किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है, तो सभी बच्चे का बिल्कुल सही है, जीव विज्ञान के जगह चिकित्सा चलता है, जीव विज्ञान में प्रदान नहीं किए जाते। 100% बच्चे सही किए, 10 में 10 नंबर आना चाहिए आपको। अगला नंबर जल्दी बता दो, 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल जिस संस्था को प्रदान किया गया है उसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन में हल्का टर्निंग रहेगा, एकदम रेडीमेड नहीं खोजिए, एकदम हल्का टर्निंग है। 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जिस संस्था को मिला, तो आप जानते हो 2020 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला, WFP को मिला। अब आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, विश्व खाद्य कार्यक्रम की मुख्यालय कहाँ है। और आपको ध्यान रखना है कि ये स्विट्जरलैंड देख रहे हैं, टी कई बच्चे बना रहे हैं, विश्व खाद्य कार्यक्रम आंसर देख रहे हैं स्विट्जरलैंड, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। खाना बनाने के लिए रोम, रोम से पसीना निकल जाता है और इसीलिए इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम। जो बच्चे रोम बना रहे हैं उन लोग का बिल्कुल सही है, इधर उधर बनाए उनको 0 नंबर होगी। इसमें कई बच्चे गलत कर दिए, हम लोग देखिए क्वेश्चन स्टेट सेकंड लेवल पे कैसे घुमाता है। जल्दी नंबर आंसर दीजिए, किस देश द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? एकदम हल्का क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन गलत तो आपसे नहीं होना चाहिए। किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? एकदम जल्दी जल्दी इसका आंसर दे दीजिए, किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है? एकदम जल्दी से आंसर दे दें। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए सभी बच्चे जानते हैं स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है और हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये जवाब मैक्सिमम बच्चे का जवाब आ रहा है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। लेकिन हम लोग अभी सीखे थे कि नोबेल का पुरस्कार 6 में 5 स्वीडन देता है और 1 नॉर्वे का ओस्ले देता है शांतिवन, और चूंकि चॉइस में ये नहीं लिख रहा है क्षेत्र, 6 चल रहा है और इसीलिए स्वीडन नॉर्वे दोनों होकर के सही आंसर यहाँ स्वीडन नहीं दोनों है, चूंकि 5 क्षेत्र का जो नोबेल मिलता है वो स्वीडन से और 1 क्षेत्र नॉर्वे के ओस्ले से दिया जाता और इसीलिए नोबेल पुरस्कार दोनों देश मिलकर प्रदान करते, आंसर दोनों हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, कई बच्चे सही किए लेकिन कई लोग गलत भी कर दिए। अगला नंबर जल्दी बताओ, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, देखो तुमको अपने से दिमाग में बैठेगा, परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और अब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार कौन जीते? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार कौन जीते हैं? लुइस ब्लूम, रॉबर्ट विल्सन, चार्ल्स राइस, रोजर पेनरोज। अब आपको चॉइस दिया गया, अब जो बच्चे हमारे साथ क्लास में खूब बढ़िया से समझे थे उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आराम से इसको बना पाएंगे। आराम से बना पाएंगे का मतलब है जैसे ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र रहा और नाम है लुइस ग्लू, ग्लू मने गूंद, ये साहित्य में है। रॉबर्ट विल्सन, सर मने बेटा और ये पैसा कमा के देगा, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। चार्ल्स राइस, ये भी आप समझ गए कि चार्ल्स राइस को किस क्षेत्र में मिला, तो आप सभी को याद है कि इसमें राइस खिलाना है कब, जब चिकित्सा करना है तब, चिकित्सा में खिलाना है। ये भौतिक है तो भौतिक में न्यूमेरिकल बनाने में पेन रोज रोज उठाते हैं, कलम रोज रोज उठाते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए और इसलिए पेन रोज। 100% बच्चे सही, देखो दिमाग में कितना बढ़िया आपका बैठ गया, बिल्कुल सही जवाब। राइस मतलब राइस चावल, रोज इसमें चावल का मतलब हाफ टन, ये चिकित्सा हो जाए, व्यक्ति को देख के पहचानो किस क्षेत्र में मिला है तब होगा कि हाँ सीख गए। जल्दी बताओ दरवाइल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस किस क्षेत्र में नोबेल नहीं प्रदान करता है? जल्दी आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन आपके लिए है, दरवाइल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस किस क्षेत्र में नोबेल नहीं प्रदान करता है? ये तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे का बिल्कुल सही हो रहा है, बहुत सुंदर। दरवाइल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस किस क्षेत्र में नोबेल नहीं प्रदान करता है, तो आप सभी लोग को मालूम है
कि चिकित्सा के क्षेत्र में कैरोलिंगियन इंस्टीट्यूट प्रदान करता है, कैरोलिंगियन इंस्टीट्यूट प्रदान करता है, और इसीलिए सी जवाब यहाँ बिल्कुल सही जवाब। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तीनों में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस इसमें प्रदान करता है। चलिए बहुत बढ़िया, छठा नंबर प्रश्न पे हम चल रहे हैं, क्वेश्चन को ठीक से सुनिए। छठा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, 2020 में, देखो एकदम सही करना, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे प्रदान किया गया, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल किसे प्रदान किया गया, एकदम हर बच्चे का सही हो जाए, किसी का गलत नहीं होगा, क्योंकि साहित्य में हमने आपको बताया है कि कौन से साटो, और इसीलिए लुईस ग्लुक ग्लू बने कौन, बिल्कुल सही आंसर आपका बी। चलिए बहुत ही सुंदर, एकदम देखो आप लोग का बहुत सुंदर चल रहा है। अगला नंबर देखो तो क्वेश्चन आपका क्या है, हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बिल्कुल सही कर पाओगे, रसायन विज्ञान में किस खोज के लिए वर्ष 2020 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, एकदम आसान क्वेश्चन, किसी बच्चे से गलत नहीं हो। केमिस्ट्री में किस खोज के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और देखो कार्य हेपेटाइटिस सी की खोज, आपको याद है हेपेटाइटिस सी ये चिकित्सा का पार्ट, ये चिकित्सा है, रसायन नहीं है, जीनोम पद्धति में सुधार, बिल्कुल सही आंसर है, जीनोम पद्धति में सुधार, और इसीलिए बी जवाब बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, हम देख भी पा रहे हैं मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगला उम्मीद करते हैं कि एकदम सब लोग का सही हो जाएगा, बढ़िया से जरा पढ़िए क्या क्वेश्चन है, 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, ये तो किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, एकदम सही करना है, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए फटाफट। चलिए वेरी गुड, आपको याद है कि रुपया कमाने के लिए बेटा मिल गया मानी मिलग्रोम, और बेटा को हम लोग विल्सन ध्यान रखे थे, तो मिलग्रोम और विल्सन, तो आप ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे विल्सन है, विल्सन का मतलब चॉइस ए, हम देख पा रहे हैं मैक्सिमम एकदम 100% तो नहीं कहेंगे, वेरी गुड बहुत बढ़िया, देखिए मैक्सिमम बच्चे का हम देख पा रहे हैं कि आंसर ए है, मैक्सिमम बच्चे ए बनाए हैं, वेरी गुड बहुत सुंदर, बस यही चीज आपके अंदर डेवलप होना चाहिए, यही चीज डेवलप होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चे ए बनाए। देखो हमने क्या किया, परीक्षा में भी यही करें, बनाते बनाते बीच में रोड में एक स्पीड ब्रेकर दे दें कि वहां धीरे कर पाते हो, यहां देखो कितना चालाकी किया है सेटर ने, यहां 2019 लिख दिया, हम लोग तो 20 का पढ़ रहे थे और उसने 19 लिख दिया, और जान के 20 वाला विल्सन को चॉइस में दे दिया कि बच्चे के दिमाग में इमेज बनेगा विल्सन तो मार ही देगा, लेकिन अभी आपको सिखाए थे कि 19 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डुप्ले, और इसीलिए 19 में सही आंसर हम लोग का एस्थर डुप्ले हो गया, और इसीलिए जो बच्चे ए बनाए उनको लड्डू नंबर हो। देखो कितना खतरनाक टर्निंग लेता है, इस टर्निंग पर अगर नहीं ध्यान दोगे, हमारा काम मेन टर्निंग डेवलप करना है, टर्निंग पर नहीं ध्यान दोगे तो परीक्षा में कई बार गलती हो जाएगी तुमसे, और इसीलिए एकदम जो बच्चे सावधान रहते हैं उन्हीं का रिजल्ट होता है, जो बच्चे एकदम सावधान है वो एकदम मुस्कुराते हैं कि अरे 19 कर दिया तो समझ गए, 19 कर दिया तो 19 में तो भारत अभी अभी जीता है, नाम ही है अभिजीत, ये अभी अभी जीता है, नाम ही है अभिजीत, लेकिन ये जीता तो है लेकिन अपनी पत्नी से थर थर करता है, नाम है इस थर, जब हम कहें अभिजीत बनर्जी की पत्नी कना किशोर पत्नी से कौन नहीं थर थर करता है, नाम ही है इस थर, और जैसे ही थर थर देखे तो कहेंगे कि अरे समझ गए ये अभिजीत बनर्जी एस्थर दुप्ले, ये 2019 में, तो अब हम समझते हैं कि ये आपका एकदम सही हो जाए, जहां ब्रेक चाहिए एकदम ब्रेक आपको देना, कई बच्चे सही भी किए लेकिन ज्यादातर बच्चे हमने देखा गलत कर दिए। खैर चलिए अब हम लोग अगला नंबर जल्दी से, 2020 में क्वेश्चन सुने, 2020 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किस महिला को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, अब बताओ भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किस महिला को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, रोजर पेनरेज, रिनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया घेज, इनमें सभी को फिजिक्स में दिया गया है ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे से बिल्कुल सही हो जाए, सभी लोग से सही हो जाएगा बिल्कुल, देखिए मैक्सिमम बच्चे सब लोग समझ रहे हैं, पेन रोज रोज हार्ड क्वेश्चन में उठाते हैं और डर लगता है, इसलिए इनमें सभी को फिजिक्स में मिला है, और इसलिए सही आंसर हम देख पा रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे डी लगाए। अब यहाँ पे देखो लेकिन एक ब्रेक मारा है, किस महिला को, देखो ब्रेक ऐसे ही मार देगा, किस महिला को, क्या ये महिला है, नहीं, हमने अभी आपको सिखाया महिला सिर्फ एक है एंड्रिया गेज, और इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी जवाब बिल्कुल सही जवाब।
अगर महिला नहीं लिखता बहुत ही लिखता दैट आंसर डी हो जाता। छोड़ो बहुत सुंदर, इसमें सभी बच्चे बड़ा सावधान थे और सही किए। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, और इससे आप अंदाज समझ लिए कैसे पूछे। जिन लोगों को लग रहा था कि नाम भारी है लेकिन वो खुद चॉइस में जब पढ़ते हो तो मुस्कुराओगे कि अरे ये तो रोज पेन रोज रोज फिजिक्स में मारो, इसको चिकित्सा में मारो, हाफ टन खिला रहा, तो इसीलिए वो दिमाग में धीरे धीरे ऑटोमेटिक बैठ जाए। और जल्दी से बताओ, चिकित्सा के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार माइकल हॉपटन को मिला, ये तो हम लोग जान रहे हैं, वो कहां के निवासी थे? एक क्वेश्चन, हॉपटन कहां के निवासी थे? तो आपको याद है चिकित्सा में सब अमेरिका के, केवल हॉपटन जो है वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के निवासी हैं, और इसलिए सही आंसर इंग्लैंड ए, बिल्कुल सही जवाब। तो अब हम समझते हैं कि आप सभी लोग को एक अंदाज आउटलाइन मिल गया होगा कि इसमें कितना बढ़िया ये सिस्टम हम लोग को पूछा जाएगा। तो इसमें अब मेन हम लोग इससे आगे चले। क्लास आप लोग का थोड़ा लाइव कम रहता है, इससे आपको लगता है कि जो चाह रहे हैं आप शायद वैसा नहीं चल रहा है, आप लोग को केवल एमसीक्यू चाहिए। कई जगह ज्यादातर हम देखते हैं करंट अफेयर के नाम पर थ्योरी वगैरह कुछ नहीं होता, केवल कुछ क्वेश्चन ले आए मारते जाओ बी ई सी और हो गया, हमें कुछ संतुष्टि नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि पहले पढ़ा लूँ और फिर एमसीक्यू लगा लूँ, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि जहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव पे